हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम बनाने वाले हैं पाव भाजी, जो अक्सर स्ट्रीट फूड में जो मिलता है पाव भाजी, जो काफ़ी शानदार होता है। आज हम ऐसे ही वाला स्ट्रीट फूड वाला लोकल ढाबा स्टाइल पाव भाजी बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले पाव भाजी के लिए जो है हम कैप्सिकम काटेंगे। इसका पहले मिसम्बला कर लेते हैं। तो हमारा काटिंग रेडी है। कैप्सिकम चॉप, टोमेटो चॉप, ऑनियन चॉप, कोरिएंडर लीव्स चॉप, फ्रेश ग्रीन पीस, बटर और बॉयल पोटैटो, इससे आज हम बनाएंगे पाव भाजी का मसाला। तो पाव भाजी का मसाला जो हम बनाने वाले हैं ये इंग्रेडिएंट के साथ बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाव भाजी का मसाला। सबसे पहले जो हमने प्याज काट रखा है, प्याज का इस्तेमाल करेंगे। प्याज और कैप्सिकम एक साथ में डालना है, क्योंकि उसका खुशबू जो है, कैप्सिकम का जो खुशबू उसके साथ में मिलना चाहिए। अब डालेंगे टोमेटो। टोमेटो हल्का ही डालेंगे, नहीं तो खट्टा ज़्यादा हो जाएगा। अब एक स्पून इसमें नमक डालेंगे। एक स्पून इसमें हल्दी डालेंगे। और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। आधा कप मटर, मटर जब भी इस्तेमाल करें फ्रेश मटर का इस्तेमाल करें, या तो फिर बॉयल किया हुआ मटर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरीके से उसको बॉयल होना चाहिए मटर को। अब जिसमें बॉयल वाला आलू हमने ग्रेट करके रखा था उसका इस्तेमाल करेंगे। अब जो है इसमें हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। एक कप पानी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये अच्छी तरीके से मैश हो जाना चाहिए। अब इसको अच्छे से पकाएंगे, उसके बाद में जो है इसका फिनिशिंग करेंगे। पानी आप अपने हिसाब से ले कर डाल सकते हैं, क्योंकि आपको जितना ज़रूरत है, किस कंसिस्टेंसी में चाहिए उसकी कंसिस्टेंसी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी कंसिस्टेंसी में हम इसको हल्का सा धनिया का पत्ता डाल के इसको अब हम बंद कर देंगे। थोड़ी देर इसको जो है हम अब पकाएंगे, क्योंकि इसका मेन जो तड़का हमने लगा दिया है, अब जो इसको फाइनल फिनिश करना है मसाला डाल के। इसका फाइनल मसाला हमने जो पाव भाजी का जो होममेड मसाला हमने बना के रखा है, तो वही मसाला हम इस्तेमाल करने वाले हैं। अब जो है हमारा करी जो है, उसका पाव भाजी का जो मसाला जो है ऑलरेडी रेडी हो चुका है। अब हम इसको फाइनल फिनिश करेंगे। काफ़ी शानदार खुशबू के साथ है। जो इसको मैश करना है अच्छे तरीके से, पहले इसमें ग्रीन पीस, पोटैटो, टोमेटो, जो भी मसाला इसमें हमने डाल रखा है, पूरा काफ़ी शानदार तरीके से इसको मैश करना है।
जितना मैश होगा कैप्सिकम ग्रीन पीस इसमें इसके अंदर जितना मैश होगा काफ़ी शानदार उसका फ्लेवर आएगा और काफ़ी शानदार तरीके से इसका ये होगा। तो अभी हम इसको फाइनल फिनिश करेंगे, जो इसका मसाला है फिनिश करेंगे। सबसे पहले तो लाल मिर्च पाउडर, अब हमने जो अपना होममेड कूट रखा है जो पाव भाजी का मसाला वो इस्तेमाल करेंगे। पाव भाजी का जो मसाला है सीक्रेट रेसिपी है, क्योंकि हमने स्पेशल होममेड बनाया है, ये बाहर से कुछ ख़रीदा हुआ नहीं है, जो भी बनाया यहीं पे। काफ़ी शानदार कलर में आ जाएगा, कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर उसमें डाल दिया है तो काफ़ी अच्छा कलर पे ये मिक्स हो जाएगा। इसको अच्छे से मिक्स करना है, काफ़ी शानदार कलर मिलेगा। इसमें जो है हल्का सा हम बटर डालेंगे अभी थोड़ा सा, बाद में जब इसको पूरा ये करेंगे। पाव भाजी में जो है बटर काफ़ी यूज़ होता है, क्योंकि मेन जो है बटर का खेल है। लास्ट फाइनल के टाइम में भी बटर देना है, पाव में भी जो है बटर लगा के इस्तेमाल करना है, काफ़ी शानदार। ये देखिए आप, इसमें कलर अच्छे से आ जाएगा। काफ़ी शानदार मिक्स है, अब जो फाइनली है ये सूखने के बाद में इस तरीके से मसाला जो है इस तरीके से ड्राई होने के बाद इस तरीके से होगा। मसाला काफ़ी शानदार बना हुआ है, तो हमारा मसाला ऑलरेडी रेडी हो चुका है। इसको फाइनली बटर, हल्का सा धनिया पत्ता, इसको डालकर हम फिनिश कर लेंगे। मसाला को जितना भुना जाएगा मसाला में उतना जो है टेस्ट रहेगा। पावाजी को मेन जो है उसका भुनना, क्योंकि जितना भुनेंगे उसमें जो कैप्सिकम पड़ा हुआ है यानी शिमला मिर्च जो पड़ा हुआ है उसके वजह से उसका टेस्ट जितना भुनेगा उतना स्वादिष्ट आएगा। और बटर तो उसका फ्लेवर जो है, रिचनेस फ्लेवर जो है, वो रिचनेस फ्लेवर को ये करता है, बढ़ाता है। काफ़ी शानदार जो है होने वाला है ये। वाह, काफ़ी शानदार बना हुआ है। चलिए अब पाव भाजी का मसाला रेडी हो गया, अब हम पाव बनाएंगे। अब जो है हम उसका ब्रेड जो है टोस्ट करेंगे, क्योंकि पाव भाजी जब भी ये करना है बनाना है, इसको ब्रेड को काट लेना है, उसके बाद में जो है उसका सेक लेना है ब्रेड को। ब्रेड को आप इस तरीके से काट सकते हैं, ऐसा 1/2 करके साइड से ऐसा, क्योंकि दोनों साइड से वो कटना चाहिए ब्रेड। तो इस तरीके का काट सकते हैं आप, थोड़ा बटर इसमें और चाहिए। इसमें हल्का सा जो है हल्दी पाउडर, हल्का सा चिल्ली पाउडर, क्योंकि तभी जो है ब्रेड में जो है मसाला पकड़ेगा। आप इसको इस तरीके से करना है, लगाया है क्योंकि अब भी देखें इसमें काफ़ी मसाला लगेगा। इन साइड ये दोनों साइड को अच्छे तरीके से इसमें सेक लेना है। तो अब हमारा ब्रेड जो है अच्छे तरीके से सेक चुका है।
इसमें रख देंगे इस तरीके से। पाव भाजी का जो खुशबू है काफ़ी शानदार खुशबू होता है, मुंह से पानी आ जाना चाहिए ऐसा खुशबू होता है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी शानदार है। पाव भाजी का ये पाव भाजी में बटर अक्सर काफ़ी दिया जाता है। अब जो है इसमें नींबू, ये है पाव भाजी। तो ये था पाव भाजी का रेसिपी। रेसिपी आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करके बताएं। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर पहले से जुड़े हैं तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें। फिर मिलेंगे कोई नए वीडियो कोई नई रेसिपी के साथ में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।